हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, डेली जो न्यूज़पेपर एनालिसिस होती है, ऑडियो आर्टिकल जो हम आपको बताते हैं कि करेंट अफेयर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, वो कलेक्शन है जो डेली है, जो पेपर एनालिसिस के माध्यम से हमें आपके पास पहुंचाते हैं, रूबरू कराते हैं। इसी क्रम में आज है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट न्यूज हैं जो आपके करेंट अफेयर्स पीटी मेंस इंटरव्यू के लिए काम करेगा, इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान से सुने और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जो नोट कर लें। आज सबसे पहला जो हम टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों है जो स्वास्थ्य सेक्टर से है, हेल्थ सेक्टर से है। आप जानते हैं कि भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो है जो लचर व्यवस्थाएँ के रूप में जानी जाती है। वैश्विक GDP का बहुत ही कम खर्च किया जाता है। अगर भारत की GDP की बात करें तो 2.2 के आसपास जो उसका खर्च किया जाता है, जो बाकी देशों से बहुत कम है। तो भारत का एक सबसे बड़ा जो समस्या थी कि जो असाध्य बीमारियाँ थी, जो लाखों में एक लोगों को होता है, वैसे बीमारी के लिए भारत के पास है जो कोई इलाज और कोई स्वास्थ्य व्यवस्था है जो नहीं थी। ये सब विदेशों से की है जो की जाती थी। तो भारत ने है जो एक लीवर बीमारी है उसका नाम है टायरोसोनोमिया, उसको है जो भारत ने है जो अपने उपलब्धि के माध्यम से है जो उसकी है जो इलाज को है जो संभव बनाया है और लोगों के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस तरह से 13 बीमारी है जो भारत ने है जो वॉच आउट किया है और इस प्रकार से है जो उसको इलाज को संभव बनाने के लिए है जो भारत ने है जो काम किया है। तो भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत को कहा जाता है कि यहाँ पर है जो स्वास्थ्य वीजा पर लोग बहुत आते हैं, सस्ता है, वो सही बात है, लेकिन जो भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, जब आप WHO का रिपोर्ट्स पढ़िएगा, आप एक काम कीजिए कि WHO रिपोर्ट्स को पढ़िए कि भारत में प्रति व्यक्ति कितना है जो डॉक्टर्स हैं, कितना नर्सेस हैं, कितना माने आप इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर थोड़ा सा आप है जो थोड़ा आप जाइएगा तो आप है जो दंग रह जाइएगा। और कोई आलोचना किसी भी चीज़ का सही होता है, आलोचना करने से ये नहीं है कि आप है जो उसकी कमियां को बता रहे हैं, ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स है। तो आप है जो ज़रूर है जो भारत के स्वास्थ्य और संरचना को है जो आप देखिए, निश्चित रूप से धीरे वर्तमान समय में अभी है जो काम हुई है, हम डिजिटल स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं, टेलीमेडिसिन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी है जो गाँव तक अगर किसी देश का अगर विकास GDP का अगर सिर्फ अंक मान लिया जाए और बाकी लोग जो 80 करोड़ लोग भूखे हैं, तो एक तरफ विकास और दूसरे तरफ भूखे, कहीं ना कहीं है जो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शंस होता है। तो यही कह रहे हैं कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं को बहुत बढ़ा चढ़ा कर अगर दिखाया जाता है, लेकिन इसकी जो ज़मीनी हकीकत है कुछ और है, और आलोचना को है जो कहीं ना कहीं है जो सोचना और समझना चाहिए। बहुत काम हुआ, ऐसा नहीं है अभी वर्तमान समय में, ये सब मेंस का टॉपिक है, आप मेंस के टॉपिक पे है जिसको लिखने का प्रयास कीजिए। एक देश तभी विकास कर सकता है जब उसकी मानव संसाधन स्वस्थ हो, और जब स्वस्थ होगा तो उसके कई सेक्टर्स में, उसके उत्पादकता में, उसके विकास में, उसके कार्यशैली में, उसकी क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो पूंजी को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, और पूंजी कौन पूंजी है, वो मानव पूंजी है, मानव स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य एक पूंजी है। तो ये एलोबरेट इतना नहीं करेंगे, लेकिन अगर और अगर इसको सुनना चाहते हैं तो इस पर एक बढ़िया टॉपिक है जो इस पर लेंगे, और बहुत सारे टॉपिक है जो हम डाले हुए हैं, आप उसको जो देख लीजिएगा। तो यही है कि टायरोसोनोमिया जो टाइप ए है जो लीवर की बीमारी है उसका है जो भारत ने खोज कर लिया है, और 13 और बीमारियों का है जो खोज कर रहा है। तो 13 असाध्य बीमारी है जो टोटल है जो भारत ने है जो बताए हैं। चलिए दूसरा आता है कि जो कतर में 8 भारतीयों की मौत की सज़ा जो हुई थी उसके खिलाफ भारत ने है जो अपील दायर किया है, और वहाँ की जो कतर की कोर्ट ने है जो उसे एक्सेप्ट किया है। आप जानते हैं कि ये लोग भारतीय नौसेना में है जो काम करते थे, उसके बाद है जो वो वहाँ कतर गए और वहाँ की एक कंपनी में लोग काम करते थे। तो इनके आरोप है कि इसराइल के लिए है जो काम करते थे, एक कतर की नौसेना की जो कुछ खुफिया जानकारी थी इन्होंने इसराइल को दिया है, ऐसा इन पर आरोप लगा है, लेकिन वो भी आरोप क्लियर नहीं है।
अब इसमें है कि अब क्या किया जाएगा, इसमें 8 भारतीय हैं और एक भारतीय जो पूर्णेंदु तिवारी है, जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं है जो भारत के विदेश नीति को कहीं ना कहीं है जो दिखाएगा। और इस सब मामले में ज़्यादातर होता है कि डिप्लोमेट तरह से ऐसे इसके बैक वेंचर ट्रैक डिप्लोमेसी के माध्यम से इसे कवर किया जाता है। तो निश्चित रूप से आगे आने वाला समय में सरकार टू सरकार इस पर जो बात करके इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। तो कतर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी इजराइल हमास के बीच में है जो युद्ध विराम में बहुत बड़ी भूमिका निभाया। और कतर को कहा जाता है कि एक ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि वहाँ पर आतंकियों का पनागाह कहा जाता है, लेकिन ऐसे ये बहुत सारे आर्टिकल इसको लिखते हैं, इसीलिए मैंने भी इसको बता दी। आगे है, गलत सूचना पर इंटरनेट प्लेटफॉर्म के विरुद्ध मुकदमा में मिलेगी मदद। वही है डीप फेक के मामले में जो बात की गई है। डीप फेक प्लेटफॉर्म कैसे है जो काम करता है, उस पर जो कल हमने चर्चा किया था उसके बारे में है, जो आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज इम्पोर्टेंट चीज़ था जो